जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्टार मेकर पर नॉर्मली सिंगर्स कौन से इफेक्ट्स यूज करते हैं और वो इफेक्ट्स यूज करने के बाद सॉन्ग्स में आवाज कैसी आती है। कुछ टाइम पहले मैंने साउंड इफेक्ट्स और कस्टम इफेक्ट्स पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में साउंड इफेक्ट्स के लाइव एग्जाम्पल में स्टार मेकर की कुछ रिकॉर्डिंग्स को सुनवाया गया था कि कौन से इफेक्ट्स यूज करने पर कैसी आवाज आती है, पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स विदाउट म्यूजिक ही रिकॉर्ड की गई थी, जिससे इफेक्ट्स का वॉइस पर एक्चुअल क्या असर पड़ता है वो पता चल सके। तो उस वीडियो में कई लोगों ने कमेंट लिखकर एक रिक्वेस्ट की कि साउंड इफेक्ट्स के जो लाइव एग्जाम्पल सुनवाए गए थे वो विदाउट म्यूजिक हैं और वो ये सब लाइव एग्जाम्पल म्यूजिक के साथ कैसा साउंड करते हैं ये वो सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट सर आंखों पर इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आशान्वित हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी अभी ही बजा दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कानसेन म्यूजिकल बाबा में। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र और आपका दोस्त आरके। इस वीडियो में एक ही सॉन्ग अलग अलग साउंड इफेक्ट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और आपको सुनाया जाएगा। साउंड इफेक्ट्स की पूरी डिटेल आपके सामने लाइव होगी, जिससे आप हर इफेक्ट्स को सुनकर समझ सकें और डिसाइड कर सकें कि कौन सा इफेक्ट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुष्पा द राइस मूवी का श्रीवल्ली सॉन्ग, जिसे जावेद अली ने गाया है, रिकॉर्ड हो रहा है। सालों पहले संगीत सीखा था, तब ये कभी नहीं सोचा था कि संगीत पर वीडियो बनाऊंगा। मैं संगीत का विद्यार्थी हूं और बस अच्छा गाने की कोशिश करता हूं। तो रिकॉर्डिंग्स में कुछ गलतियां हुई हो तो माफ कीजिएगा। तो सारी रिकॉर्डिंग सुनवाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग्स हर रिकॉर्डिंग में सेम रहने वाली है। हर रिकॉर्डिंग में EQ यानी कि इक्वलाइजर ब्लूज रहेगा। इक्वलाइजर का ये इफेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, इसमें बेस और ट्रेबल दोनों ही ज्यादा मिलते हैं। वॉइस रहेगी 43 और म्यूजिक रहेगा 30। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही कम है, तो मेरे दोस्तों ये कम नहीं है। आगे जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम बहुत है। माइक्रोफोन ऑर्डिनरी हेडफोन ही रहेगा और एडजस्टमेंट 72 पर रहेगा। आइए पहले सुनते हैं रॉ वॉइस, यानी वॉइस बिना किसी साउंड इफेक्ट्स के, बस म्यूजिक के साथ। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिना साउंड इफेक्ट्स के वॉइस कैसी आती है और आपकी वॉइस को कितने इफेक्ट्स की आवश्यकता है। नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। सबसे पहले मेरा पर्सनल फेवरेट कस्टम इफेक्ट, जिसमें रिवर्ब 16 रहेगा और रूम 85 रहेगा। बाकी सारी सेटिंग्स सेम ही रहेंगी। तो चलिए आप सुनते हैं कस्टम इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। अब सुनते हैं स्टूडियो इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो अर्फी। अब सुनते हैं पार्टी इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए।
रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली मेरा मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बातें कर दो अर्फी। अब सुनते हैं पॉप इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो अर्फी। अब सुनते हैं कराओके इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो अर्फी। अब सुनते हैं सबका फेवरेट हॉल इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो अर्फी। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी बातें कर। अब फिर से एक बार सुनते हैं कस्टम इफेक्ट्स में कैसी वॉइस आती है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बातें कर दो हर्फी। कस्टम इफेक्ट्स दोबारा इसलिए सुनवाया क्योंकि कस्टम इफेक्ट्स ही सबसे बेस्ट है। बाकी आपको जो भी इफेक्ट्स अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप प्रोफेशनल्स की तरह अपने सॉन्ग की साउंड सेटिंग करना चाहते हैं या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक अपने मित्र आरके को इजाजत दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।